हाँ जी, प्लस टू क्लास सूरदास के पदों में से पहले विनय पद और वात्सल्य भाव के बाद ये क्वेश्चन है चौथा। सूरदास ने बाल क्रीड़ा का मनोवैज्ञानिक बचपन की क्रीड़ाओं खेलों का श्री कृष्ण के अनन्य भगत होने के कारण उनकी क्रीड़ाओं को खेलों को कैसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से पेश किया है कि सूरदास जी वात्सल्य माँ का पुत्र के प्रति प्रेम को का कोना कोना जाए हैं। ऐसा अनेक विद्वानों का मत है कि वास्तव में सूरदास जी ने बाल बचपन की मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल के अनुरूप ही वात्सल्य संबंधी पदों माँ का पुत्र के प्रति प्रेम संबंधी पदों की रचना की है। पहले पद में श्री कृष्ण ने के खेलने ना जाने का कारण कि जब भी मुई खेलत लड़िकन संग, कि जब भी मैं लड़कों के संग खेलता हूँ तभी खिजत बल भैया, तभी बलराम भैया मुझ पर खींचते हैं, मुझसे कहते मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया, कि तुम्हारे पिता वसुदेव और तुम्हारी माई मैया देव की है। कोई भी बालक इस बात को चिढ़ाए जाने पर खेलना पसंद नहीं करेगा। दूसरे, जब श्री कृष्ण की शिकायत सुन कर नंद बाबा बलराम जी को झिड़कते हैं तो बाल सुलभ प्रकृति की बचपन की प्रकृति के कारण बड़े भाई को झिड़कते देखकर श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सुरनद बलराम ही दिर्क्यो सुनी मन हर्ष कन्हैया, कि उनकी शिकायत सुनकर जब देखते हैं कि उन्हें दंड मिल रहा है, सजा मिल रही है, उन्हें झिड़क रही है, तो वह शिकायत करने वाला मन ही मन प्रसन्न होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बचपन की प्रवृत्ति को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है जी, सेवंथ क्वेश्चन है, कृष्ण यशोदा से अपनी बाल ग्वाल सखाओं की क्या शिकायत करते हैं कि ये सभी मेरे दुश्मन बने हुए हैं और उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है, मैंने माखन चुरा कर नहीं खाया। कृष्ण की इन बातों को सुनकर यशोदा की प्रतिक्रिया क्या होती है कि आप बोली हैं जो इनकी बातों में आ गई। श्री कृष्ण की इन क्रोध भरी बातों को सुनकर यशोदा हंस पड़ती है और जब वह कहती है कि परायो जायो, कि आपने तो मुझे पराया माना तभी ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं, अर्थात मैं वसुदेव और देवकी की संतान हूँ। यह सुनकर यशोदा हंस पड़ती है और कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है और वह ये भी भूल जाती है कि माखन श्री कृष्ण ने ही चुराया, बल्कि और भी माखन देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी प्रकार इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़े ही मनोरम और सौंदर्यमय ढंग से किया है। थैंक यू।